नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू की 6 नए नोटिफिकेशन के बारे में जो कि अभी आज की डेट में रिलीज हुए हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है सारे उनको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आगे पहले बता देता हूँ मैं सबसे पहली अपडेट क्या है जो वेबसाइट पे अपडेट हुई है। दोस्तों, जो पहली अपडेट है कि आपकी असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो असाइनमेंट जमा करने की डेट थी सभी प्रोग्राम्स के लिए थे, सभी प्रोग्राम्स मास्टर बैचलर सर्टिफिकेट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सभी के लिए जो है ये लॉकडाउन एक्सटेंशन की वजह से ये कोरोना के चलते ये बढ़ा दिया गया है, वो 15 जून कर दिया है। तो ऑनलाइन आप सबमिट करा रहे हो वैसे ही सेम सबमिट कराना है। अगर पॉसिबिलिटी रही 1 तारीख के बाद, 1 जून के बाद, तो आप बाय हैंड भी सबमिट करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये 15 जून तक एक्सटेंड हो गई है। दूसरी अपडेट है दोस्तों इसी को लेके, जो आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना था दोस्तों, तो उसके लिए भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 15 जून तक। लेकिन इसमें जब वीसी सर लाइव थे फेसबुक पेज पे, तो उन्होंने कहा था कि इसको भी ऑनलाइन करने का प्रोसीजर तैयार हो रहा है। तो उसके लिए भी जैसा कि यहाँ लिखा है, द वाइस चांसलर इज प्लीज टू अप्रूव सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नू एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑनलाइन इन सॉफ्ट कॉपी फॉर द टर्म एग्जामिनेशन जून 2020। लिंक विल बी अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट ऑन द पेज। ठीक है, इस पेज पे इग्नू के www.ignu.student पे ऐसा सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके आप देख पाएंगे। अभी ये पेज पे ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है, बहरहाल वो भी एक्टिवेट हो जाएगा 1-2 दिन में। अभी ये नोटिफिकेशन ही डाला गया है। ये दोनों नोटिफिकेशन आपको आईग्राम पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट का, बीच में आपको ये आपका मिल जाएगा जो असाइनमेंट सबमिशन का। तो दोनों ये लिंक जो है असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट सबमिट करने का आपको कल या परसों या दो दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी में भी सबमिट करा सकते हो आप, और इसको आप बाय पोस्ट भी, अगर 1 जून के बाद पॉसिबल रहा बाय पोस्ट बाय हैंड जैसे भी आप सबमिट कराना चाहो सबमिट करा सकते हो। सभी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अगर आपको सुटेबल रहेगा ऑनलाइन सबमिट कराना, जो लिंक ये देंगे वहाँ पर आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट का हो गया। और अगली अपडेट है दोस्तों MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्कूल से है, जो MSW है, MSWC है, PGDCOUN है, BSW है, DAFE है, CSW, CJS वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। फील्ड वर्क और उनके जो प्रोजेक्ट के लिए है उनके लिए भी ये पूरा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इस गाइडलाइन को आप पढ़ते हुए अपने प्रोग्राम्स, जो भी आपका प्रोग्राम है, वैसे ही इस गाइडलाइन को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट और जो आपका फील्ड वर्क जनरल है वो अपना बना के आपको सबमिट कराना है। तो ये सभी का इसमें दे दिया है, BSW का, L1, L2, L3 के कैसे करना है सभी का आप डिटेल में बहुत ही सिंपल बनाया है। यहाँ पे आप देख के अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके उनकी हेल्प भी ले सकते हो, पूछ भी सकते हो। तो ये सभी के लिए MSW का भी है, सबका यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट फील्ड वर्क जो भी है यहाँ पे आपको बनाना है। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ के अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और अगला अपडेट है दोस्तों आपका जो PGDCFT और MSCCFT के लिए स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन की तरफ से उन्होंने एक नोटिफिकेशन पहले भी जारी किया था, उसको फिर से इसमें आपका उन्होंने ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और इसमें और भी डिटेल ऐड कर दी है। यहाँ पे QR कोड स्कैन करके आपको फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये दिए गए URL से उसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ये है। यहाँ पे मैंने इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा डिटेल इन्होंने दे दिया है, कुछ इसमें एडिट किया है। इसके पहले मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ से आप जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और डिटेल में आप डिटेल पढ़ के अपना सेम अपना वैसे ही आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। और अगली अपडेट है दोस्तों आपको बता दो, जो जैसा कि ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, अभी 5 प्रोग्राम नए और ऐड कर दिए गए हैं। तो उसमें से जैसे कि इग्नू लॉन्चेस ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम्स इन हिंदी, तो हिंदी को बेस दिया गया इन्होंने, जैसे HRD मिनिस्ट्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है इसको फेसबुक लाइव पे 21 तारीख की डेट में। तो इन्होंने
अपने पेज पे इसको किया है, वहाँ पे जाके पेज पे भी वीडियो है हिंदी मास्टर डिग्री में। बाकी और सारे कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इस लिंक पे नीचे जाके आप देख लीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये अब इसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, ये सारे कोर्स न्यू करके हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे 3 कोर्स लॉन्च किया गया था, बाकी और कोर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, 5 कोर्सेस। तो उसमें आपका मास्टर भी है, बैचलर का भी है और आपका सर्टिफिकेट कोर्स भी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये कोर्सेस। आप यहाँ पे जाएंगे तो ये मास्टर हो गया अगाधी पीसन स्टडीज़ में है या हिंदी में है, बैचलर में BTS को लॉन्च किया गया। और इसकी डिटेल पूरी आपको यहाँ से क्लिक करके मिल जाएगी, फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है, सब कुछ मिल जाएगा इसका। यहाँ जैसे कि एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इसकी फ़ीस और ड्यूरेशन देख सकते हैं। फ़ीस ये देख लीजिए, फ़ीस है आपकी फ़र्स्ट ईयर 4500, सेकेंड ईयर 4500। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन कोर्सेज की फ़ीस कम है और जो ऑफलाइन इसी प्रोग्राम में लोगे तो फ़ीस ज़्यादा है, 6000 फ़ीस है उसकी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उनका नाम दिया है, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। ये सारा बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई इसमें। तो आप यहाँ से जाके सभी प्रोग्राम्स के ऐसे डिटेल वगैरह मिल जाएंगे आपको, यहाँ से जाके आप उनसे बात करिए और इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं। तो एडमिशन शुरू होने वाला है जल्दी 1 जून से, जैसा कि यहाँ पे ये अलर्ट्स डाल दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलर्ट्स भी डाल दिया गया है, 1 जून से एडमिशन शुरू होगा। तो आप जिस भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं आप उस प्रोग्राम में, ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और आगे दोस्तों इग्नू MBA PhD के लिए है, उनका जो लास्ट डेट है 22 जून आज था, तो 22 मई था आज करेक्शन करने का। और इसका उन्होंने मॉक टेस्ट भी डाल दिया है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट जो प्रीवियस ईयर का यहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। जैसे सेव लाइव टेस्ट होगा, इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो आप देख पाओगे कैसे टेस्ट दे सकते हो। आप पुराने इग्नू के यहाँ पे इग्नू को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी इग्नू का भी BEd ओपन मेट सभी का यहाँ पे मिल जाएगा। ओपन मेट MBA का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एकदम सेम वैसे ही दिखाएगा जैसा आप टेस्ट देने वाले हो आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ से जाके आप ये पूरा सेम प्रोसीजर मिलेगा आपको, एकदम सेम फीलिंग के साथ कैसे टेस्ट देना। यहाँ से जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का आप टेस्ट यहाँ पे दे पाओगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो बस यही था अपडेट दोस्तों। और भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। बस यही था अपडेट। नमस्कार, धन्यवाद।